लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लगने वाले मेंबर साजी कैंप में सदर तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम पंजाब शादाब जाफरी सीनियर नायब सदर उमैर नियाजी जनरल सेक्रेटरी उनीस अली हाशमी सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग इब्रारुल हक तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियाँ मोहम्मद अजहर फारूक अमजद मीर हमाद अजहर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ पंजाब यासमिन राशिद समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर लायर्स फोरम शादाब जाफरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ नजरियाती जमात है और इसका सुनामी रुकने वाला नहीं। सुनामी थमते नहीं है, सुनामी रुकते नहीं है, और खास तौर पे जब हक पे आप कायम हो और आपके नजरिया दुरुस्त हो, आपकी लीडरशिप में कुव्वत हो और ऑनेस्टी हो, जैसे कि इमरान खान में है। आज आप सिर्फ मियां वाली का जलसा उठा के देख लें, आप खाने वाल का जलसा उठा के देख लें, आप सियालकोट और साउथ पंजाब का जलसे उठा के देख लें, ये 50-60 जलसे हुए हैं, कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें आवाम की भरपूर शिरकत ना हुई हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मोहम्मद अजहर और सदर यूथ विंग इब्रारुल हक का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर मुनज्जम तरीके से तारीखी मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया है। वुकला तहरीक इंसाफ में शामिल होकर मुल्क बचाने में अपना किरदार अदा करें। वैसे तो पहले ही हमारे मेंबर जो तकरीबन 1 मिलियन बन चुके हैं, लेकिन हमने 5 मिलियन और बनाना है, और ये कैंप जो है उसकी इब्तदा है, और ये कैंपेन जो है 2 महीने जारी रहेगी, और इंशाल्लाह हम अपना टारगेट जो है वो आसानी से पूरा कर लें। पाकिस्तान की पहली सियासी पार्टी है जो नीचे से इमर्ज होकर सही मानों में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं इफ डेमोक्रेसी फेल्स द सोल्यूशन इज मोर डेमोक्रेसी। मोर डेमोक्रेसी कैसे आएगी? ग्रास रूट लेवल से, इवन जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी ग्रास रूट लेवल से सामने आएँ, उस जो इस नजरिए की पासदारी करें, लोग उनको उनका चुनाव करके उसके जरिए पार्टी बने। कैंप में मेंबरशिप के लिए वुकला का रश देखने में आया। मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी इश्तियाक अहमद खान, सैयद अली हमजा, साबिक नायब सदर लाहौर बार आरिफ चौधरी, आसिम चीमा, साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार खुरम रफीक शाह समेत दर्जनों वुकला ने इंसाफ लायर्स फोरम की मेंबरशिप हासिल की। कैमरामैन वाजिद अली के साथ इमरान यूनस, सिटी 42, माल रोड।